लेकिन इस वक्त हलचल दिल्ली में क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और सहयोगी अविनाश से अपडेट लेते हैं। अविनाश, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो लखनऊ से हिंडन एयरबेस के लिए निकलेंगे, और जो भी जानकारी है बैठक को लेकर, कौन कौन वहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में लखनऊ से निकलने वाले हैं और तकरीबन 11:30 बजे करीब हिंडन एयरबेस पे लैंड करेंगे और सीधा दिल्ली में यूपी सदन पे सबसे पहले आएंगे। यूपी सदन की तस्वीर दिखानी चाहेंगे आपको यहाँ पे, आज इसको भव्य रूप से सजाया गया है क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे यूपी सदन को यहाँ पे सजाया गया है, फूलों को यहाँ पे लगाया गया है, पुष्प पूरी तरीके से सजाए गए हैं, सुसज्जित किए गए हैं। जो गेट है, जो एंट्री गेट है मुख्यमंत्री का, उसे किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है आप तस्वीरें देखिए। फूलों पे यहाँ पे देखिए रखा गया है, फूल से जो है वेलकम लिखा गया और इसी फूल पे कदम रख के मुख्यमंत्री अंदर यूपी सदन के प्रवेश करेंगे। तो एक ग्रैंड वेलकम जो उत्तर प्रदेश सदन में है दिल्ली में, उनके करने की तैयारी है। पूरा फूलों की यहाँ पे अगर बात करें तो चादर बिछा दी गई है और उसमें वेलकम लिख दिया गया है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तो उनका यहाँ पे भव्य स्वागत करने की तैयारी है। इसके साथ गेट की भी एक तस्वीर मैं दिखाने चाहूंगा, गेट को भी पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ रहे हैं जो जय श्री राम के नारे से उद्घोष है मुख्यमंत्री का यहाँ पे स्वागत करेंगे। तकरीबन 12:15 से 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, और आपको गेट के पास ले भी चलूंगा मैं। कुछ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भगवा कलर की जो ड्रेस है वो पहन के यहाँ पे आ चुके हैं, और हालांकि अभी और भी संख्या इनकी बढ़ेगी, अभी संख्या जो है कम है, कुछ लोग अभी यहाँ पे और पुनः पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री जब 12:15 से 12:30 बजे तकरीबन पहुंचेंगे तो एक ग्रैंड वेलकम जो है उनका दिल्ली के अंदर वो किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए आगे जाएंगे, और आगे जाके अगर बात करें तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए खुद जो है जो तमाम सारे संगठन के लोग हैं उस पर तो चर्चा ही होगी, एक धन्यवाद भी दिया जाएगा। देखिए ये मेन गेट है, एंट्री गेट है, यहाँ पे भी फूलों की चादर बिछाई गई है और बाकायदा वेलकम लिखा गया है मुख्यमंत्री के लिए, और यह हिंदू युवा वाहिनी जो है वो यहाँ पे आई हुई है, वो यहाँ पे आके अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी हुई हुई है, और देखिए बाहर उसके तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आके मौजूद हैं और यहाँ पे आके मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि निकल के उनमें से कुछ लोगों से बात करूं और आपको भी बात सुनवाऊं कि किस तरीके से जो तमाम सारे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है, मुख्यमंत्री यहीं से प्रवेश करेंगे। एक बार फिर से आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखाते हैं, फिर बातचीत भी करेंगे हिंदू युवा वाहिनी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ। ये देखिए यहाँ पे बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है, लोकतंत्र की हुई जीत, जनता जनार्दन का आभार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो एक नारा है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। अब हिंदू युवा वाहिनी के तमाम सारे ये कार्यकर्ता हैं जो आए हुए हैं दिल्ली प्रदेश के हैं, इनसे पूछेंगे। आप लोग बताइए कि मुख्यमंत्री योगी के स्वागत के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। जी हाँ, हम लोग बाबा परम पूज योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के लिए हैं, बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं वो आपसे सही बताएंगे। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं जी, किस तरीके से आप लोग ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं अगर बात करें तो किस तरीके से ग्रैंड वेलकम? मैं दिनेश अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और योगी जी के क्विक सोल्जर हैं और दिल्ली में रहते हैं। हमारे महाराज जी का पदार्पण हो रहा है, उनके स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें कुछ भेंट करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के तमाम साथी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपना प्यार लेकर वहां पर तस्वीर भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर, बिल्कुल वो तस्वीरें दर्शक भी देख पा रहे हैं। अविनाश, लोग अपना प्यार लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचने का।